रोहतास जिले के चनौरी विधानसभा के रोहतास ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत तनवाडी के ग्राम तुम्हा गांव में किया जा रहा वोट बहिष्कार। लोगों का कहना है कि रोड ना होने से हमारे गांव के लड़के और लड़कियां शादी नहीं हो रहा। सारे नेता आते हैं, आपके घर चले जाते हैं, जीतने के बाद रोड बनाएंगे, लेकिन आज तक हमारे गाँव में रोड नहीं बना, इसलिए हम वोट बहिष्कार कर रहे हैं। बाबा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं, आप लोग का मुद्दा क्या है? हम लोग का मुद्दा यही है कि रोड गांव में चाहिए, रोड गांव में चाहिए, जो अभी तक नहीं है। नहीं है। आखिर ये रोड कब से समस्या हो रही है? तो समस्या हम लोग का 15-20 साल से चल रहा है, 15-20 साल से चल रहा है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं कर रहा। आखिर क्यों ये क्यों आप लोग का आवाज़ नहीं सुना जा रही है? विधायक लोग जीत के जाते हैं, विधायक लोग नहीं फंड देते हैं, इसके कारण नहीं बन पाता है। तो आप लोग का आपकी अगला मत क्या है इस साल? अगला मत हम लोग का वोट देने का नहीं है। नहीं है, नहीं। ये जो नाली में जो पानी लगी हुई है, हम आपका वीडियो बना चुके हैं, ये नाली की समस्या कब से चल रही है? नाली की समस्या अभी 200 वर्ष से चल रहा है। आपका नाम सर? मंगीलाल गुप्ता। ये थुमा गांव। ये कौन सा पंचायत में पड़ता है? नवाडीक पंचायत चेनारी विधानसभा क्षेत्र के एरिया। विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ पे आप लोगों के पास कोई भी विधायक आता है, आप लोग कभी उन लोग के बताए हैं कि हम लोग का रोड बनेगा या नहीं बनेगा? आप लोग समझ सुना है? बोला गया हुआ है, बोला गया विधायक से बहुत बार बोले गया, विधायक से बोला गया। विधायक जी बोले कि जब 70 साल में तुम्हारा रोड नहीं बना तो हम 5 साल में क्यों बनवाए? इसलिए हम ग्रामीण जनता अजीज होके हम लोग वोट बहिष्कार का निर्णय लिए जी, और यह आखिरी निर्णय है। जब तक हमारा समस्या दूर नहीं होगा तब तक हम रोड बहिष्कार करते रहेंगे, वोट बहिष्कार करते रहेंगे। या हमारे काम बोलिए हो या ना हो, हमने ललन पासवान से ज़्यादा करके यहीं पर हिसाब किताब इन सब पूछा गया था कि हाँ ललन जी आपने क्या बोले तो रोड पास हो गया, 2 महीना के बाद काम लगेगा, इलेक्शन आएगा तो काम लगेगा सिर्फ जी। और वो नहीं यहाँ से जा करके आगे बोल रहे हैं कि 70 साल में नहीं हुआ तो 5 वर्ष में हम क्या कर देंगे। हम तो ऐसा बात भी हम छवि पासवान के भी हम लोग कहते हैं, हम भी जाति के पासवान हैं, और अखंड के कहते हैं कि न पासवान हमारे गांव में आए और न पासवान छवि पासवान आए न लाल पासवान आए, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, न रोड नहीं तो वोट नहीं। आप कुछ जो कहना था जो बताइए दिए जी। और बात है ऐसा कि आज़ादी के आज 17वां साल के बाद भी सरकार जैसे संसद फंड हुआ, विधायक फंड, हमारे अशोक सिंह विधायक थे वही थोड़ा बहुत हम लोग के काम किए, बाकी उसके बाद में कोई सरकारी फंड हमारे गांव में नहीं है। हम लोग कितने नतीजे में, आप चल के रोड देख लीजिए या गांव से पूछ लीजिए कि हम लोग कितना तकलीफ में है। एक तो आने जाने की गाड़ी भी तकलीफ, हम लोगों की शादी ब्याह कटने की नहीं बता गई है जी, और कितने अगुआ भाग गए गाँव से इस परिस्थिति देख करके। इस एवज में हम लोग आपस में मीटिंग करके सबको प्रस्ताव हुआ कि हम बहिष्कार किया जाए, इसलिए हम लोग बहिष्कार किए हैं कि रोड नहीं तो किसी को वोट नहीं, समझे ना। आप भैया कुछ अपने गांव के मेरा कहना में है कि आखिर हम लोग को वोट देने से और न देने से, जब सरकार की कान उसकी नेतक के अगर इन लोग का बू नहीं आ रही है, आज यहाँ पर लड़का लड़की की शादी विवाह बहुत सा समस्या, अभी फिलहाल तत्काल में जो है हमारे यहाँ 3 लड़की की शादी कट गई सिर्फ रोड के चलते। माननीय विधायक जी क्या कहते हैं कि आखिर 70 साल से रोड नहीं बना तो अभी इस टाइम में हम कहाँ सब करा दें, पास हो गया है, DPR बन गया है, अब लगेगा कल बनेगा। ये जो है मुनीलाल राम के टाइम का ही रोड बना हुआ है, उसके बाद न तो नली बना न रोड। मुखिया कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, विधायक कहते हैं कि सांसद की चीज़ है, सांसद छेदी पासवान का टाइम नहीं है कि यहाँ पर 5 वर्ष में 10 वर्ष में एक बार भी है। ये जानता हम लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, नेता लोग जो हैं एसी में बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, जनता तरह इमाम है। इसलिए पूरे हम लोग समाज जो है नवयुवक संघ, पूरे ग्रामीण जनता, थुमा के निवासी हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं वोट को कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर किस विकास के नाम पर मुद्दे पर आप वोट मांगते हैं? आप धरातल पर आ पाइए। आप 5 साल में कई बार आ पाए क्षेत्र में, हमारे गांव में आज तक अभी तक कोई नहीं आया प्रतिनिधि, सिर्फ उसके आते हैं दलाल लोग। मेरा कहना है कि कम से कम धरातल पर आकर देखें।
अंचलाधिकारी को बोला गया, वीडियो को बोला गया, प्रशासन को बोला गया, लेकिन सभी जगह देने के बाद भी लोग, हम लोग त्राहिमाम है क्या, हम लोग जाए तो कहाँ जाए। इसलिए हम लोग किसी को पक्ष में नहीं है इस बार वोट देने के लिए। वोट जो है किसी को हम लोग नहीं देंगे जब तक यहाँ पर जो है डीएम का हम लोग को ये सोच रहा है कि डीएम आए अपने संज्ञान ले क्या है, कि जनता यहाँ पर क्यों वोट का बहिष्कार कर रहा है लोग। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।